रेलवे ग्रुप सी और डी के संबंध में आरटीआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। रेलवे में कुल 3 लाख पद रिक्त और कौन कौन से पद रिक्त और कब से भर्ती स्टार्ट होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। रेलवे ग्रुप डी और ग्रुप सी के संबंध में आरटीआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पूरी जानकारी देखने से पहले अगर आप एलपी के साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइको टेस्ट की बुक की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है द इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख सकते हो, आरआरबी ग्रुप सी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट रेलवेज बिगेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव इज एक्चुअली हॉप ऑफ द टोटल वैकेंसीज रिवील्स आरटीआई। या दोस्तों आरटीआई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 1 सितंबर 2018 को रेलवे में जो टोटल रिक्त पदों की संख्या थी 2,66,790 और करंटली प्रेजेंट टाइम में अभी 3 लाख रिक्त पदों की संख्या हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को बताए, 2018 में रेलवे ने ग्रुप डी और ग्रुप सी के पद निकाले थे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के, और साथ ही साथ ग्रुप डी के पद निकाले थे, और जिसमें 1.2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दोस्तों 3 लाख पद रिक्त यहां पर साफ साफ रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया है सभी बोर्ड को, और इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं कि अब जल्द ही असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुड गार्ड और टिकट कलेक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। या दोस्तों जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी होने वाला है और इसका खुलासा आरटीआई ने भी किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है।